अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ओ भाई क्या हो रहा है वहां पे? फ्रिज का लेके जा रहे हो? सर वो फ्रिज खराब है तो रिपेयर करने ले जा रहे हैं। अब तक तो ठीक था, अचानक कैसे खराब हो गया? पता नहीं सर। अच्छा हटो मैं देखता हूँ। हटो तो फोन कर रहा है। इसको क्या हुआ? हेलो क्या? हाँ ठीक है मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, एक मिनट। हाँ ले जाओ। आप प्लीज घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अभी कुछ करते हैं। अवनी धीरज रखिए, वंश अभी आते ही होंगे। वंश वंश ऐसी हालत में छोट बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। तुम एक काम करो, तुम इन्हें लेके हॉस्पिटल जाओ, मैं गायनेक को फोन करके बुला लेता हूँ। मैम आप हॉस्पिटल पहुंचिए, इमरजेंसी है, मैं बाकी समझाता हूँ बाद में फोन करके। ओके आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सिया ये तो विधि का फोन है। विधि का झुमका, विधि की सैंडल, पता नहीं किस मुसीबत में होगी, कहां ढूंढूं उसको।
बाद हमें यहाँ क्यों लेकर आए? बताइए कहाँ से आ रहे आप लोग? रुकिए, हमने पूछा आप लोग कौन है? दरवाजा बंद मत कीजिए, रुकिए। तुम लोग कौन हो? ये कैसी जगह? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? एक मिनट, ये लोग कौन है? यहाँ पे क्या चल रहा है बताओ? ये तो हमें भी नहीं पता दीदी, ये लोग हम लोग को बेहोश करके लेकर आए थे। दो दिन हो गए ना कुछ बताते और ना पूछते। आप लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं दीदी, ये लोग ने तो हमें हाथ भी नहीं लगाया और हमारा खून लेके जा रहे थे, जैसे आपका लेके गए थे अभी, और समय समय पे पेट भर खाना दे जाते हैं। कैसे गुंडे? और आखिर इतना कुछ क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये सब क्या है? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? अभी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमारा बच्चा जन्म लेगा, आई प्रॉमिस, और वो भी हेल्दी। ओके, आप बस आराम कीजिए। विधि पता नहीं कहां होगी, कॉल करके पूछते हैं। ये आवाज तो यहीं बाहर से आ रही है, विधि यहां क्या कर रही है? अवनी, आप है ना, आप रिलैक्स कीजिए, हम दो मिनट एक जरूरी फोन कॉल करके आते हैं। विधि, ये विधि का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहे है? कितनी बार समझाया तुमको, वो विधि नहीं सिया है, और ये फोन मुझे किचन में मिला, और वहाँ उसके झुमके और सैंडल भी मिले, और किचन का जो हाल बना हुआ था ना, उसे साफ समझ में आ रहा है कि वहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। क्या क्या बोल रहे हो? हम कुछ समझे नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? दादा बनने की जरूरत नहीं है, ओके, तुम्हारी चालाकी सब समझता हूँ। तुम्हारी माँ का जो पर्दाफाश किया है उसका बदला ले रहे हो ना? जसिया को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें बोला है? तुम्हारी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं, हम खुद हमारी माँ से नफरत करते हैं, उनके झूठ से और उनके फरेब से। हम नहीं मिले भी, हमने कह दिया ना एक बार, मान लो। इसका मतलब तुम्हारी माँ अपनी हरकतों से बाज नहीं, ये सब कुछ उन्होंने ही करवाया। तीनों लड़कियां तंदुरुस्त हैं, इनका ऑर्गन्स बेचकर मालामाल हो जाएंगे।